Now let's begin with the fourth chapter of the Flamingo book, Rat Trap. What is the meaning of rat trap? Wo trap jo rat ko fasane ke liye banaya jata hai. This chapter is written by the author Selma Lagerlof, jo ki ek Swedish writer hai. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक थीम पे बेस करता है. दैट थीम इज कि हम हमारी लव, अंडरस्टैंडिंग और केयर से सामने वाले पर्सन के अंदर जो गुडनेस है उसको हम जगा सकते हैं, यानी उसको हम बाहर निकलवा सकते हैं. तो ये पूरा चैप्टर इसी थीम पर बेस्ड है. दिस चैप्टर इज रिवॉल्व अराउंड अ मैन दैट इज रैट ट्रैप सेलर. यानी ये पूरी स्टोरी एक ही रैट ट्रैप सेलर पे बेस्ड है. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. ये जो रैट्रैप सेलर है ये स्मॉल स्मॉल रैट्रैप्स बनाता है, वो भी बहुत ही पुराने तरीके से, और वो बाहर जाके सेल करता है. और इसे बनाने के लिए जो उसे मटेरियल चाहिए होता है ये स्टोर से बैक करके लाता है, यानी भीख मांग के लाता है. लेकिन ये इतना सब कुछ भी उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता, ये बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी चोरियाँ भी करता है. इसके जो क्लोथ्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, और जो हंगर होती है वो भी साफ उसकी आंखों में दिखती है. हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन रैट ट्रैप सेलर्स या ऐसे लोगों की लाइफ कितनी सैड होती है. इनकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होता, ये अकेले ही रोड पे चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. ऐसे ही एक दिन इस रैट ट्रैप सेलर के माइंड में एक थॉट आता है जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, और ये नेचुरली आता है. ये थॉट ये होता है कि वो सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ रैट ट्रैप है. यानी ये जो वर्ल्ड है, ये जो सिटीज़ है, विलेजेस हैं, सीज है, लैंड्स है, ये कुछ नहीं सिर्फ एक रैट ट्रैप है. इनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि लोगों के लिए बैट सेट करना. बैट्स क्या होता है, जैसे एक रैट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक रैट को टैम्प्ट करने के लिए रैट ट्रैप के अंदर बैट सेट किया जाता है, उसी तरीके से ये हमें बताता है रैट ट्रैप सेलर कि ये जो वर्ल्ड है जिस तरीके से शेल्टर, जॉय, हैप्पीनेस, फूड ऑफर करता है, ये कुछ नहीं होता. अगर लोग एक बार इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इसके अंदर फंस जाते हैं, फिर बाहर निकल नहीं पाते. सिमिलरली जैसे रैट ट्रैप चीज़ और पॉक ऑफर करता है रैट को, और ऐसे देख के रैट उस जाल में फंस जाते हैं. ऐसा थॉट वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो ये बोलता है कि वर्ल्ड कभी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया. मतलब किसी ने भी कभी उस रैट ट्रैप सेलर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, किसी ने उसका वेलकम नहीं किया, इसलिए वो वर्ल्ड के लोगों से बहुत हेट करता था और उन्हीं के बारे में कुछ ऐसे ऐसे थॉट सोचता रहता था. ये इसका बहुत ही अच्छा टाइम पास था कि जब भी वो अकेले रोड पे चलता रहता था और वो ऐसे ही कुछ अनयूजुअल से थॉट उसके दिमाग में चलते रहते थे. एक दिन डार्क इवनिंग जब वो जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है. तो वो सोचता है कि वो उस ग्रे कॉटेज के पास जाके उसको नॉक करे, और वो यही करता है. वो जाता है और उस डोर को नॉक करता है. वैसे जब भी वो किसी डोर को नॉक करता है तो उसको हमेशा कुछ एंग्री फेसेस देखने को मिलते हैं जो उसे हमेशा भगा देते हैं या उसका वेलकम नहीं करते, उसे एंट्री नहीं देते अपने घर में. लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जैसे उसने डोर नॉक किया, एक ओल्ड मैन आया जिसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई चिल्ड्रन नहीं था, वो लोनली अकेले ही रहता है. उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अपने घर के अंदर बुलाया, इवन उसे सपर भी ऑफर किया, यानी एक लाइट डिनर भी ऑफर किया. फिर एक टॉबेको में से टॉबेको स्लाइस निकाल के उसको ऑफर दी क्या कि वो दोनों स्मोक कर सकें, और बाद में उन्होंने कार्ड्स भी प्ले किए. ये सब देखकर जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो ये सोच रहा था कि कभी भी वर्ल्ड ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, और जो ओल्ड मैन है वो इतना ज़्यादा उस रैट ट्रैप सेलर के साथ जेनरस हो गया था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो उसे अपने सीक्रेट्स भी बताने लगा. वो बताता है रैट ट्रैप सेलर को कि पहले वो एक आयरन ब्राम्सो आयरन वर्क में एक क्रॉफ्टर के थ्रू वर्क करता था, लेकिन अब उससे डे टू डे लेबर नहीं किया जाता. तो अब उसकी एक काऊ है जो उसकी बहुत हेल्प करती है, और उसकी जो ये काऊ है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. वो एक दिन में ही इतनी ज़्यादा मिल्क दे देती है कि उसको लास्ट मंथ भी उससे 30 क्रोनर्स मिले. यानी लास्ट ही मंथ उसको पेमेंट मिला था 30 क्रोनर. क्रोनर एक स्वेडिश की करेंसी होती है. तो वो बताता है कि लास्ट मंथ ही उसे 30 क्रोनर्स मिलते हैं. फिर जो वो स्ट्रेंजर होता है, यानी वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है, उसको बिलीव ही नहीं होता, मतलब उसको भरोसा ही नहीं होता उस ओल्ड मैन की बातों पे. इसलिए जो ओल्ड मैन होता है वो उठता है और विंडो के यहाँ पे जो उसका लेदर पाउच होता है वो उसको निकालता है, और उसमें से 30 क्रोनर्स निकाल के उस रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है ताकि उसे बिलीव हो सके. और वो उसे नोट्स को हिला के बताता रहता है. फिर उसके बाद वो वापस उन 30 क्रोनर्स को उस अपने पाउच में डालकर वापस विंडो के यहाँ पे हंग करके, यानी वापस लगाकर आ जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग जो ओल्ड मैन होता है उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि उसे अपनी काऊ से मिल्क निकालना होता है, इसलिए वो उठ जाता है. तो वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो भी ये सोचता है कि अगर घर का ओनर ही उठ गया है तो उसका सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी
उठ जाता है। फिर दोनों एक ही टाइम पे घर को छोड़ते हैं और जो ओल्ड मैन होता है वो घर पे की लगा के अपने साथ की को ले जाता है और जो रैट्रैप सेलर होता है वो भी उसे बाय एंड थैंक यू बोल के चला जाता है। हाफ एन आवर बाद जो रैट्रैप सेलर होता है वो फिर से उसी डोर के आगे आके खड़ा हो जाता है और जो विंडो होती है वो विंडो का जो ग्लास होता है उसको तोड़ता है और वहाँ से अपना हाथ अंदर डालकर जो लेदर पाउच होता है वो निकाल कर उसमें से 30 क्रॉनर्स निकाल के फिर से उस लेदर पाउच को वहीं लगाकर आ जाता है और उन 30 क्रॉनर्स को अपनी पॉकेट में डाल देता है। ऐसा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी स्मार्टनेस से कि उसने कैसे 30 क्रॉनर्स को ले लिया। फिर वो ये सोचता है कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा क्योंकि कोई ना कोई उसे पकड़ लेगा, इसलिए वो फॉरेस्ट के रास्ते को चूज़ करता है। डे के स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, वो जा रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कंफ्यूजिंग और बिग है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं और उसे लगने लगता है कि वो एक ही रास्ते पे घूम घूम के वापस वहीं पहुँच रहा है, यानी वो इतना बड़ा होता है फॉरेस्ट कि उसे उनके रास्ते नहीं मिल रहे होते। फिर उसका जो थॉट होता है कि जो वर्ल्ड है फुल ऑफ रैट ट्रैप है, वही थॉट उसके दिमाग में फिर से आता है और वह ये सोचता है कि जिन लोगों की वो बात करता था आज वो उन्हीं लोगों में से एक है, वो भी इस रैट ट्रैप में फंस चुका है, एक जाल में फंस चुका है, इस लालच में आ चुका है, यानी जो भी इस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, ब्रांचेज हैं, ये सब कुछ एक जेल जैसा लग रहा था उसको, जिससे वो कभी वापस बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। ये जो मंथ होता है ये दिसंबर का मंथ होता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, जिस डार्कनेस के कारण जो रैट ट्रैप सेलर होता है उसके मन का जो डेंजर और जो डर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट है, वो डेथ के बहुत ही करीब है और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और अपना हैंड जब ग्राउंड पे टच करता है तभी उसको एक साउंड सुनाई देती है, एक थंपिंग साउंड, और वो इमिडिएटली पहचान जाता है कि हैमर स्ट्रोक का साउंड है, किसी आयरन मिल से आ रहा है। तभी वो अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लेता है, वो चल तो नहीं पा रहा होता लेकिन फिर भी उसे उस आयरन मिल में जाना होता है क्योंकि उसे रेस्ट करना होता है वहाँ पर। ये जो आयरन मिल है वही है रामस जो आयरन वर्क जहाँ पर उस ओल्ड मैन ने वर्क किया होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके। ये जो आयरन मिल है ये पहले के टाइम पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी लेकिन अब ये बंद हो चुकी है और ये क्रिसमस से एक दिन पहले इवनिंग की ही बात है जब ब्लैक स्मिथ जो होता है वो अपने हेल्पर के साथ फर्नेस के आगे बैठा होता है और एक पिग आयरन का वेट कर रहा होता है ताकि वो आए और आगे का प्रोसेस हो सके, और वहाँ इतना ज़्यादा साउंड होता है बर्निंग कॉल का, चारकोल का, कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है और इसलिए कोई नोटिस भी नहीं करता कि जैसे ही वो जो रैट्रैप सेलर है वो फोर्स के अंदर एंटर भी हो जाता है, जब तक उसके पास जाके खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन ये ब्लैक स्मिथ के लिए कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं था क्योंकि ऐसे बहुत से पुअर वैगाबॉन्ड जिनके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं होता वो एक दिन के लिए आ जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए, और ब्लैक स्मिथ जब उसे देखता है तब उसे उन्हीं लोगों की जैसे लगता है वो रेड ट्रैप सेलर भी, क्योंकि उसने भी कुछ फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और ऐसा ही उसका अपीयरेंस होता है, जिस कारण ब्लैक स्मिथ को लगता है कि ये भी उन्हीं लोगों के जैसे है। ब्लैक किस्मत उसे बिल्कुल भी डिग्निटी से रिस्पेक्ट नहीं करते, डिग्निटी से वेलकम नहीं करते उसका। जब रेड ट्रैप सेलर उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर एक नाइट रह सकता है और वो सिर्फ अपनी हाँ में कंसेंट दे देते हैं लेकिन उसको अच्छे से वेलकम नहीं करते, अच्छे से उसको बताते नहीं है, बहुत ही रूड वे में उसे हाँ करते हैं। और जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसे भी इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ यहाँ पर वार्म अप और स्लिप के लिए आया था। ये जो भी आयरन मिल होता है ये इसका जो हेड होता है, इसका जो ओनर होता है वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर होता है जिसका जो मेन एम होता है वो बस ये होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ आयरन को सप्लाई करना बाहर, और वो डे नाइट में कभी ना कभी इंस्पेक्शन के लिए आता रहता है ये देखने के लिए कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। एक ही नाइट जब वो वहाँ पर उसी नाइट जब वो वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उसकी सबसे पहले नज़र पड़ती है उसी रेड ट्रैप सेलर पे, जिसने कुछ रेड कलर के फटे पुराने क्लोथ्स पहन रखे होते हैं। जो ब्लैक स्मिथ होता है वो तो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता और डिग्निटी से उससे बात भी नहीं करता, लेकिन जो आयरन मास्टर होता है वो वैसा नहीं होता, वो जैसे ही उसके पास जाता है उसकी उस कैप को हटाता है, वो फर्नेस के पास सो रहा होता है जो रेड ट्रैप सेलर होता है, उसकी उस कैप को हटा कर और जो आयरन मास्टर होता है वो उसे मिस इंटरप्रेट करता है और उसे बोलता है कि अच्छा तुम नील्स ऑलोफ हो और तुमने ये क्या कर लिया, तुमने ये क्या हाल बना दिया अपना। जो आयरन मास्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि ये उसका कोई पुराना फ्रेंड है, कोई नील्स ऑलोफ है जो इसे मिस इंटरप्रेट कर रहा होता है, यानी आयरन मास्टर को समझ में नहीं आता और वो उस रात के अंधेरे में उसे मिस इंटरप्रेट कर लेता है। और वो जो स्ट्रेंजर होता है वो सोचता है कि आयरन मास्टर कितना जेंटली बिहेव कर रहा है उससे, तो हो सकता है वो इसे अपना ओल्ड साथी मान रहा हो और उसे कुछ क्रॉनर भी ऑफर कर दे।
इसलिए जो रैट्रैप सेलर होता है वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और उसे बोलता है कि गॉड नोज कि उसने कितने बुरे बुरे दिन का सफ़र किया है, कितने बुरे वक्त से गुजारा किया है। तब आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, यानी वो पहले किसी रेजिमेंट में वर्क करते थे दोनों जने। और आयरन मास्टर कहते हैं कि मेरे छोड़ने के बाद तुमने भी छोड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर आज तुम नहीं छोड़ते हो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। फिर आयरन मास्टर उस सेलर से बोलता है कि भाई तुम मेरे घर आओ और घर चलो, लेकिन जो रैट्रैप सेलर होता है वो 30 क्रोनर्स के बारे में सोचता है और वो मना कर देता है। वो ये सोचता है कि ये तो वही बात हुई कि वो खुद ही खुद को लॉयंस डैन में डाल रहा है, यानी खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो अगर उस घर में गया और उसकी चोरी पकड़ी गई तो, इसलिए वो सोचता है कि नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया है और अगली सुबह चुपचाप से बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जो आयरन मास्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो रैट्रैप सेलर है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा है अपने कपड़ों के कारण, इसलिए वो सेलर से बोलते हैं कि मेरा जो घर है वो इतना बड़ा आलिशान नहीं है, मेरी जो वाइफ है एलिजाबाथ उसकी भी डेथ हो चुकी है और जो मेरे बच्चे हैं वो भी अब्रॉड में पढ़ाई करने गए हैं, मेरे साथ सिर्फ मेरी एक डॉटर रहती है। और हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि इस क्रिसमस हमारे साथ कौन होगा, हम क्या अकेले ही होंगे क्या, तो तुम मेरे इस क्रिसमस का पार्ट बनो और जो भी हमने अच्छी अच्छी डिशेज बनाई है क्रिसमस के लिए उसे ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। लेकिन जो रैट्रैप सेलर होता है वो मना कर देता है, वो एग्री नहीं करता है इस बात से। तो आयरन मास्टर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं कि जो कैप्टन वॉन स्टेल, यानी वो नील्स ऑलोफ का पूरा नाम होता है कैप्टन वॉन स्टेल, जो उसे समझ रहे होते हैं। तो आयरन मास्टर उससे कहते हैं ब्लैक स्मिथ से कि कैप्टन वॉन स्टेल मेरे साथ नहीं जाना चाहता, ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। लेकिन ब्लैक स्मिथ समझ जाते हैं, क्योंकि आयरन मास्टर अपने लास्ट वर्ड्स कह के नहीं जाते, तो ब्लैक स्मिथ समझ जाते हैं कि वो कुछ